कोई बात नहीं, फिर भी हम निकल रहे हैं। फिफ्टी किलोमीटर की है जो मेरे को बताया। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात को तो क्या इंट्रोड्यूस करा ना, और रात को कुछ बता भी नहीं पाया कहाँ पहुँचे कैसे पहुँचे। अभी कहाँ है हम जुबिन? हम झालावाड़ में। झालावाड़ में है भाई, जितनी दूर इसका घर है ना, ऐसे घर से तो मेरे को लगता है बॉर्डर के आसपास ही होते हैं। और ये है भी एमपी के आसपास है ना, बॉर्डर है, एमपी बॉर्डर है भाई। मेरे को शक ही हो गया था पक्का एमपी बॉर्डर ही पहुँचा होगा। और पूछो मदर क्या हाल हुआ हमारा। रात को 15-20 घंटे ऑलमोस्ट 15 घंटे हमें लग गए राइड करते करते, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। और इस हरामी ने भी नहीं बताया कि आजकल बारिश हो रही है यहाँ पे। रास्ते में अंकल ने बताया, और जो गाय वाला मुद्दा था बिल्कुल ठीक था, सालों साल से ऐसे ही चल रहा है। 10 साल हो गए बस। ये मेरा फ्रेंड जिसके पास मैं आया, और ये भी लेटेस्ट फ्रेंड बने हमारे लेटेस्ट फ्रेंड सनी है ना, सनी। तो अब भाई ने बोला हमें घुमाएगा। तो भाई रुस्ता सा है थोड़ा, बाइक ऐसी कुदाई ने स्पीड ब्रेकर में से नीचे, इतनी ऊंची बाइक है फिर भी नीचे को टप्पा हो जाए स्पीड ब्रेकर धप करके। और किस्मत हमारी बारिश। कोई बात नहीं, फिर भी हम निकल रहे हैं। चलो गोप्रो तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट रास्ते में देखेंगे कुछ हो सकता है। तो जा कहाँ रहे हैं? मिनी गोवा। कोई तो मछली बनेगा आ जाके वहाँ पे। जलपरी कहाँ गया परा हमारा? मैं सोच रहा जल्दी जल्दी लिख ले, परा हमारा राजी नहीं हो रहा। हमारी NS TV 65। और NS TV 65 न्याय विभाग लगा लगा जल्दी। अब जब तू ये लगाएगा तभी जाएंगे। हाँ वैसे ही लगाना है पर बिना देखे भाई लगा अरे लगा दे यार, सारा दिन हो जाएगा, पनवेल भी निकलना है, जल्दी कर। चलो झालावाड़ से निकलो। Thousands of tears later. ये देखो, है तो सही में गोवा जैसा, समंदर किनारा पूरी जैसा, उड़ीसा के पूरी जैसा समंदर किनारा, और गोवा जैसी फील ले सकते हैं। ये देखो लास्ट आ जाएगा, क्या बता दो देखो, लास्ट के 10-15 किलोमीटर इतने भयानक है कि बाइक ही नहीं चल सकती थी। और बारिश भी चालू होगी, ऐसा मनाना कि डूबे नहीं। चलो क्वालिटी का काम चला लेना, बस काम चला लेना, क्योंकि पॉकेट में डाल के फिर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है। जुगाड़ लगाया बहुत तगड़ा, सस्ते वाला एंजॉय तो करेंगे। बोले तो जैसे भी आ रही हो भाई, तो गर्म बहुत है यार पानी। इसका एक चीज बता देता हूँ, जो इसकी चौड़ाई है ना, विड्थ है 50 किलोमीटर की है जो मेरे को बताया। और इस जगह को बोलते मिनी गोवा। और कहा क्या बोल रहे हो? राजस्थान बोलते ना, MP में ले आया, भीमवाड़ा से हम झालवाड़ा से हम 60 किलोमीटर आ गया है। और पीछे बहुत पत्थर है यार, पैर कटना जाए बस। अरे देखो बहुत गर्म है पानी, ये तो बात बिल्कुल सही। बिना ट्यूब के तो भाई इससे आगे नहीं जाया जाएगा अपने से, उसको जान दे। ना ना बस इतना ही ठीक है, बिना ट्यूब के नहीं।
वो देखो उधर भी लेके जाते हैं, छोटा दिख रहा होगा ना बंदे खड़े जो, उधर भी लेके जाएंगे, अभी जाएंगे हम सब। ना दे तो बढ़िया, दे दिया तो दिख रहे कि नहीं दिख रहे पता नहीं, पर दूर से दिख रहे होंगे, पर हम तीनों के दोनों अभी टायर पे हैं। ये देखो काम चल रहा है, डर बहुत लग रहा है, अभी हमें वहां से तक ले जाएंगे। ये देखो अरे भाई पता है मेरे को वहां तक लेके जाएंगे पीछे तक, कह रहे हैं जाके देख के, तो डर बहुत लग रहा है भाई। ये तो अभी हमें बीचों बीच वहां से काफी दूर आ गया घर से, थैंक यू भाई का, भाई ने वीडियो फोटो खींच दिया हमारा, और दूर दूर तक पानी है, डर तो बहुत लग रहा है। क्या हुआ लग रहा है भाई, तैरना नहीं आता पानी के बीच में खड़े हैं क्या? कहाँ सब बिगड़ पाते हैं यार, पर तैरना नहीं आता तो डर लग रहा है। A few moments later. भाग कूद दर्द बहुत होता है यार, पानी का नाक टुकड़ा मेरा अभी तक वो सांस लेने में ऊपर नीचे हो रहा है। मैं फिर फटाफट आ गया, मैंने पूछा है डर लगता है पानी से, डर के जाओ तो आ जाओ आप। भाई यार भाई ने डुबकी लगा दी, ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बार आ चुका है ना उसे आदत हो गई है। क्या हुआ था, लग गई पैर में? आगे किनारे पे जिस पत्थर पे हम गए थे वो पत्थर भी डूब चुका है, बहुत ज्यादा तेज होगी लहरें ना, दिख रहा था आशू पत्थर, वो देखो ऑलमोस्ट डूबने वाला है। ले लेना कोई भी कैसे ले, लाइफ जैकेट के साथ ही ले, चलते रहो उधर लेगी ना फिर निकल जाएगी। आ गया स्वाद, मजे मजे ये देखो नजारा, बारिश भी हो रही है, सारे लगे हुए हैं, पर अपना तो हो गया यहीं पे लोकली, हमने पकोड़े बनवा लिए थे हमसे लगा हुआ चरने में, चप्पर 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 हमारा लोकल गार्ड, हमारा लोकल गार्ड हमारे साथ चला पड़ता है। देखो लहरें, पहले बताना भूल गया था, सब इसे बोलते मिनी गोवा है पर ये है चंबल नदी। अभी हम एमपी में है ना, ये चंबल नदी, और जितना पानी आ रहा है ना ये आ रहा है गांधी सागर डैम से जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ आगे जाके, और ये भी चंबल नदी का ही पानी है। हाँ मैप में भी अगर आप देखोगे ना मिनी गोवा डालोगे एमपी में तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। सब नहा रहे यार, मान नहीं रहे, हमने भी अभी लाइफ गार्ड खोले, जैकेट खोले नहीं है,
आएंगे और फिर पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि नीचे रेत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल समंदर का किनारा तो नहीं है, तो इसीलिए बड़े बड़े पत्थर है जो कि बहुत ज्यादा चुभते हैं पैरों पे। वो फिर चला गया वहां से। स्विमिंग आती नहीं उसे, कह रहा यूट्यूब में देखा था ऐसे करते हैं, मरेगा। वो देखो चप्पल हाथों में बताओ। और यहाँ पर भी देखो चिड़िया ने कैसे घोंसले बनाए हुए, ना सब चिड़िया के घोंसले है। ये देखो बारिश दोबारा स्टार्ट होगी, और ये जो साउंड है ना, ये बारिश का साउंड है। नहा धो के देखो ऐसे तैयार हो गए पूरा, और ये आवाज पूरी की पूरी बारिश की आवाज है। अब गोवा जाके आ गए हैं, बेशक मिनी था पर गोवा जाकर आ गए। अब आई होप सो कि ब्लॉग देखने में मजा आया हो, बट हमें तो नहाने में मजा आया भाई। एक नंबर, तैरना नहीं आता फिर भी आधे पानी में घुस जाता है। कि यूट्यूब में देखा था। इतने कुछ करना है, क्या करना है, आगे का प्लान करते हैं, क्योंकि राजस्थान में ही नहीं रहना है, तो देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। सारे कपड़े गीले पड़े, उन्हें धोना भी है, सुखाना भी, इतनी बारिश में सूखेंगे तो नहीं, लगता है ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा अपने साथ में, बट जो होगा वो देखा जाएगा और आगे का प्लान करते हैं। आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे, खाना खाना खा ले फिर स्टार्ट करेंगे।